हमार विंध स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंजे दिर्हन विराट के बघेली बुलेटिन सोनू के संगे। प्रदेश में आप पार्टी के खाता खुली गा हवे। सिंगरौली में आप पार्टी के प्रत्याशी रानी अग्रवाल की ऐतिहासिक जीत भई है। 9353 वोट से बीजेपी प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा का हराए दी नमा। सिंगरौली में 23 पार्षद के साथ भाजपा के बम्पर जीत भई। वही 6 पार्षद आप पार्टी के, 13 कांग्रेस के, बीएसपी के एक ठे और निर्दलीय के दो ठे पार्षद चुनेगी हमा। सबसे पहले मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने विश्वास देखा और इतने अंतकाल के पश्चात उन्होंने जो बदलाव कर दिया मौका, और ये पूरा श्रेय जनता को जाएगा। बीजेपी के गढ़ में आपने सेन मारा, क्या सोचते हैं? मैं आम आदमी पार्टी अपने केजरीवाल जी को, जो हमारे सीएम हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने जनता की मांग को स्वीकार करके जो यहाँ पे आया, और जनता को विश्वास था कि दिल्ली के आधार पर काम होगा और जनता का ही पूरा श्रेय। सावन के पहले समारा जेके चला शंकर जी के मंदिर में भीड़ उमड़ पड़ी हवे। रीमा किला के महामृत्युंजय मंदिर का सावन समार के चला सजावा गा हवे। ओइसने कत इहन भक्त के भीड़ रहते ही पे सावन समार का इहन मेला जैसा नजारा देखे ग मिलत हवे। मान्यता हवे के इहन पूजा करे से मौत टल जाती। रीमा जिला के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में एक रात में दो ठे बगिया में बदमाश चोरी करी हवा। जहां एक ठे बगिया से 3 ठे चंदन के पेड़ काट लेके हवा, तो वही दूसरे घरे के लगे 3 ठे चंदन के पेड़ के संगे और सामान बदमाश पार कर दी हवा। बदमाश रायपुर करचुलियान थाना के महासुआ मराहे वाले विख्यात सिंह और राजेश सिंह के बगिया से चंदन के पेड़ चुराए लिए नमा। रीमा माँ जाने माने सामाजिक संगठन जय महाकाल सेवा संघ के तत्वाधान माँ 7 साल से लगातार रोटी योजना चलत लागी, जेके अंतर्गत आज पवित्र सावन महीना के शुरुआत में गरीब और जरूरतमंदन का गरम और ताजा भोजन के पैकेट बांटा गया है। समस्त रीवा वासियों को श्रावण मास के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी से एक निवेदन है, रोटी योजना जो कि विगत 7 वर्षों से लगातार चल रही है, हमारे जिला प्रभारी आदरणीय विनय भैया जी और उनकी पूरी टीम लगातार कर रहे हैं। आप सभी से भी निवेदन है, अपने अपने घरों से एक गरीब के लिए भोजन निकालिए। हमारी टीम आएगी, आपके घर से भोजन लेगी और इस कार्य पर आपकी मदद चाहिए। आज हम सबके बीच में WWE के जो कि द ग्रेट खली के शिष्य हैं, आदरणीय प्रांजल भैया हैं, दोस्त सद्धु, मैं उनसे भी चाहूंगा कि आप महाकाल संघ के लिए बोले। सभी को जय जय महाकाल। जैसा कि आप सबको पता है कि महाकाल सेवा संघ पिछले 7 वर्षों से हर रविवार को यहाँ गरीबों को और जरूरतमंदों को खाना देता आ रहा है, और हमें उम्मीद है आने वाले कई सालों तक ये प्रथा चलती रहेगी। तो मेरा रियावासियों से बहुत बहुत निवेदन है कि आप सभी आगे आए, हमारे विनय भाई से जुड़े और उनकी इस महान कार्य में उनकी मदद करें। वहीं दूसरे कहती रीमाज के हनुमाना तहसील के अंतर्गत दुबिया धाम से हजारन की संख्या में भक्त मड़पहा धाम शाहपुर में भगवान भोलेनाथ का जल चढ़ाई हमा। अपना का बताए दे, यह साल 15 किलोमीटर के पैदल कांवर यात्रा निकाली हमा। वहीं मऊगंज के पूर्व विधायक सुकेन्द्र सिंह बन्ना एक कांवर यात्रा में शामिल रहे हमा। हमार है, जैसा कि आप सबको मालूम हो, विगत वर्ष पिछले वर्ष भी चतुर्भुज भगवान से लेकर के मंडपहा तक हमारे विजय कुशवाहा, भरत सोनी, गिरजा गुप्ता, नरेंद्र तिवारी जी, सभी रिंकू सिंह जी, सभी साथियों के साथ मिलकर के पूरे महाजन के और आपके खटखरी के सभी साथियों द्वारा पिछली बार भी ये कांवर यात्रा लेकर के यहाँ तक आई गई थी, और उसी कड़ी में आज भी यह कांवर यात्रा वहाँ से चल करके सभी साथियों ने इसको अच्छे तरीके से पूरा किया है। पिछली बार मैं भी पूरी तरह से पैदल आया था, लेकिन कुछ परिस्थितियों बस इस वर्ष मैं इससे दूर रहा, अभी उपस्थित हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि जो साथियों का उत्साह है और दूर दूर से हमारे कई गांवों के साथी, इसमें बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहन साथी इसमें शरीक हो रहे हैं, आने वाले समय में मैं समझता हूं कि यह कांवर यात्रा एक बड़ा विशाल रूप लेगी। मैं यही भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूँ कि क्या है कि हमने सदैव, जब मैं विधायक था तब भी या विधायक नहीं था तब भी,
जब जब क्षेत्र में सूखा पड़ा है, सूखे की लड़ाई हमने लड़ी है। मैं विधायक रहते एक बार सूखे का आंदोलन मैंने किया था, उस समय पूरा रीवा जिला सूखाग्रस्त घोषित हुआ था। और जो अभी पद कांवर पद यात्रा रखा गया है, दुबिया से खड़करी चल के मंडपा पायपुर में जल समाप्ति किया। सभी लोग कांवर यात्रियों लोग बड़े ढंग अच्छे से कांवर यात्रा मतलब पंकज जी के जल चढ़ाया गया बड़े धूमधाम से। और मैं ये आशा करता हूँ कि अगले वर्ष फिर भी कांवर चढ़ाया जाएगा और चलता रहेगा। ये तीसरी साल आफा है, करीब पब्लिक कांवर यात्रा लोग कम से कम 500 लगभग जनता शिव शक्ति पथ कांवर यात्रा जी राम सुमन कुशवाहा जी के अगुवाई में दुबिया धाम से मंडपहा के लिए बोलबम का नारा लगाते हुए बोलबम के मतलब भोले बाबा के सावन के पहले सोमवार के दिन भोले बाबा को हम लोग जल चढ़ाने के लिए मंडपहा आए। और इस वर्ष बारिश नहीं हो रही है, सबसे ज़्यादा प्रयास हम लोगों का यह है भोलेनाथ से, और भोलेनाथ से बार बार प्रार्थना है हमारी कि इस बार जो हम लोग जल चढ़ाए हैं उससे भोलेनाथ ज़्यादा से ज़्यादा बारिश करें, जिससे पूरे हमारे विश्व का कल्याण हो। नगर परिषद नईगढ़ी मां पार्षद के चुनाव परिणाम आई कहब। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में चुनाव के 17 जुलाई का गिनती भई, जहां भाजपा का 7 सीट मिली, बसपा का 3 तउहन, कांग्रेस का 2 सीट में संतोष करे के परा। एक सीट आम आदमी पार्टी के खाता में गई, 2 सीट में निर्दलीय कब्जा करीन हमा। नगर परिषद से पार्षद पद के लिए निर्वाचित होने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये जीत जनता की जीत है, जनता के विश्वास की जीत है और ग्रीस गौतम के विकास की जीत है। जीत का श्रेय ग्रीस गौतम जी को देना चाहेंगे, इन्होंने क्षेत्र के लिए विकास किया है, इसलिए जो है जीत का श्रेय उनको। किससे मुकाबला था और आपका इस चुनाव में? कांग्रेस का। किनको पराजित करके आपने जीत हासिल की? कांग्रेस के जो है सिराजुल हक उर्फ मुन्नू खान से आपने जीता हूँ। और पिछले बार भी जनता ने जो है सहयोग दिया था, दोबारा भी जनता का सहयोग मिल रहा है। रीमा परिवहन कार्यालय में परिवहन अधिकारी मनीष त्रिपाठी, बस मालिक और कर्मचारी के संगे हर घर झंडा अभियान कलई के एक ठे बैठक संपन्न भय, जे माँ सबके सहमति से निर्णय लीन गा के आवे वाले 11 अगस्त से 17 अगस्त तक सगले घरे माँ झंडा लगाई के नगर वालन का झंडा के सम्मान और देश खातिर प्रेम भक्ति जगावे के काम आजादी के अमृत महोत्सव में कीन जाए। आज खातिर इतना, बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के संगे। नमस्कार।